अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हाँ सही है, ये मैं इस नियत से रखा था सोदिया। पहले मैंने सोचा था वहीं छोड़ आती हूँ, दो अहराम वहीं रखाई थी। फिर मैंने नियत की थी इंशाल्लाह अल्लाह हमें दोबारा बुलाएगा और हम दोबारा जाएंगे। देखिए आज काम आ गया आपके। इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगी। ये देखें, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, समझ आई? इसलिए आपको लग रहा है वो अलग है, वो अलग सेम है। चलें जी, अभी पैकिंग का टाइम है। ये एहराम है, वॉश कर दिया इसको और इसको पैक करेंगे। कपड़े रखूंगी, दो से तीन सूट रखने हैं। बैग भी मंगवा लिया है, बैग भी इसके अंदर पैक करनी है। अब वहाँ जा रहे हैं जी सऊदी अरब, वहाँ पे कुछ काम है। अपने भाई के साथ जा रहे हैं, उनको काम उनके साथ जा रहे हैं और दो से चार दिन तक इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। और वापसी पे उमरा करना है उन्होंने, इसलिए एहराम रखा है और दो तीन सूट रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे किचन में एक बार करने लगी हूँ जी कुकिंग, दोनों साइडों पे साथ साथ जल्दी हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैंने कट करके सुबह ही रख दी थी ताकि ईजी हो जाए। और बस अभी जो भाई हैं ना वो आने वाले हैं थोड़ी देर तक, एक दो घंटे तक वो आ जाएंगे। अभी बस स्टार्ट करती हूँ मैं। फिर रात के टाइम यहाँ पाकिस्तान टाइम 12 बजे जो है ना वो लोग घर से निकल जाएंगे। सुबह 3 बजे की, 3 साढ़े 3 बजे की फ़्लाइट है। क्या रहता हूँ तो कह रहे हैं आंटी जो है ना वो यहाँ रह लेंगी या कोई भी घर से, बट मेरे घर वाले जो है ना वो यहाँ रहने नहीं दे रहे जी, उधर ही जाना। तो यहाँ पर मेरी मम्मा आई हुई हैं, ये देखिए ज़रा अंजला खेल रहा है यहाँ पर, अलमीर जो है वो सो गया। फिलहाल जी पैकिंग करते हैं, सारा काम जो है ना वो ख़त्म करके रखती हूँ और उसके बाद फिर मैं कुकिंग करती हूँ। दिल से अल्लाह ताला एक दफ़ा ज़रूर अपने घर की जो सआदत है ना वो नसीब करे और अल्लाह ताला मुझे भी जल्दी बुलाए और अल्लाह करे मैं भी जल्दी से हज करूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ये सआदत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। ये देखो जी मेरी माँ के काम चेक करो, मेरी अम्मा कह रही है जी मैंने अपने घर जाना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। मतलब आपने नहीं रहना तो फिर मैं क्यों जाऊँ, मैं भी नहीं जाती। लेके जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी मामा। आप यार ये कोई बात है, हर बार हम हर दूसरे दिन मुंह उठा के उधर बुलवा लेते हैं। तो मैं तो अब अकेली हूँ ना, अब यहीं पे रहते हैं ना दोनों। मामा आपका कितना खून सफेद हो गया, देखना इधर। तो मैं आपके पास आई हूँ, इधर तो देखो। बस रात नहीं रह सकती। क्यों नहीं रात रह सकती, ये क्या पुरानी सोच है बेटी की, अगर रात नहीं रह सकती फलाना नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे नहीं कह रही। हाँ तो फिर आप मेरे पास क्यों नहीं रहती है, मुझे हमें भी तो हर दो दिन बाद कभी कोई उठा के ले जाता है, कभी कोई ले जाता है। हम भी मैं भी अब बदनाम को कहूंगी हम नहीं जाया करेंगे, बस हमारा भी अपने घर के बिना कहीं दिल नहीं लगता। बच्चे कहते हैं बस हम भी कहेंगे, मुझे कितने और भी तो बच्चे कितने आराम से मुझे प्यारी सी शक्ल बना के कह रही है। मैंने कहा मम्मा हाँ बस हम यही रहेंगे, कह रही नहीं मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, पता नहीं दिल को कुछ छोड़। तो बा मम्मा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आने दे अदनान को जरा। मैं कहती हूँ मंदान हम नहीं बताऊंगी, मैं कहूंगी मैं हम अच्छा हम हफ्ते हफ्ते दो दो हफ्ते रह के आ जाएं और खुद आप एक दिन नहीं रह सकती। 3 दिन की बात है सिर्फ, 3 दिन बाद अदनान आ जाएंगे। यार ये क्या है माँ, मैं मतलब बेटी के घर नहीं आना, पुरानी सोचे कैसी किसी, बस आप यहाँ की सोच ही यही है ना, बस नहीं रात नहीं रहते हैं, नहीं फलाना हो जाएगा। भाई सब पता नहीं सबकी माँ ऐसी है या पता नहीं मेरी माँ ही ऐसी है। बस मम्मा ठीक है, लग गया आपका पता, कोई नहीं बस कोई भी नहीं, नहीं आप आपका मेरे से बहुत साल बाद, नहीं हमारे घर कुछ भी नहीं है, नहीं बस हमारे घर कुछ भी नहीं है। हंसला आपने आज के बाद नानों के घर नहीं जाना, ठीक है? ओके नहीं नानो कहती है कि वो मेरा यहाँ पे दिन नहीं लग रहा, हमने यहाँ नहीं रहना, आप जल्दी से अपनी पैकिंग करो और घर चलना है जल्दी, रात को उधर भी जाना। आपने जाना नानो की तरफ? नहीं जाना ना, क्यों जाना है? नानो तो यहाँ रहती नहीं है, हम क्या करेंगे जाके? नहीं नानो तो यहाँ रहती नहीं है, हम क्या करेंगे नानो के घर जाके? देखो आपने क्या कहा, कह रही है मैंने नहीं जाना, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, वहाँ पे बच्चों को उठाओ वहाँ पे चलते हैं, ये रात नहीं रहा करते अदनान को ना बताना। ये देखे ये सामने खड़ी है पूछे, मतलब हम क्यों लेना, हम क्यों जाते हैं? आप इधर ही रहेंगे, हम
अब 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 आप बताएं मैं हाँ हाँ लग जाएगा जब सारे रहेंगे कह रही रात नहीं रहा करती नॉन ना ना नॉन को ना क्या क्या हाँ पहले कहती तो अपना घर लोगी ना फिर मैं आया करूंगी मैं रहा करूंगी अब हमें हर दोस्त शादियाँ तो लेने देना हाँ बस आपके तब भी यही ड्रामे होने हैं मम्मा बस बस पता चल गया हम आधे बच्चे उधर उधर है ना फिर अभिनव के साथ में भी दर्द था ऐसे ही होता है गैस में मर मर के आ रही है क्या है एक तो गैस ने ना जलीलो खबर किया सिलेंडर पे मुझे मजा नहीं आता पढ़ ले जायनमाज इधर पढ़े हैं चले जी खाना वाना खा लिया सबने फ्री हो गए हैं और अभी बाहर गए थे तो ये मिठाई लेके आए हैं दो डिब्बे हैं ये मिठाई के तो दोनों के हैंड कैरी में एक एक डिब्बा जो है ना वो एडजस्ट करना है क्योंकि हैंड कैरी ज्यादा सामान नहीं है लगेज वगैरह जो है ना वो नहीं लेके जा रहे बस हैंड कैरी है तो एक डिब्बा जो है अदनान के बैग में रखना है दूसरा बैग में रखना है तो बस अभी पैकिंग करते हैं फ्रेश हो रहे हैं थोड़ा सा देर में बस निकलने लगे हैं मेरे पापा भी आ गए हैं मिलने के लिए और बस इधर से अदनान और भाई जो हैं वो एयरपोर्ट जाएंगे मैं मामा पापा के साथ हम लोग जो हैं अगेन मामा की तरफ चले जाएंगे अलमीर 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 कहाँ जा रहे हैं हम हाँ जी मार्केट का चक्कर लगा है यहाँ पे कुछ चीजें लेनी थी एक दो सूट लिए थे उनके साथ पाइपिंग वगैरह लेनी है और यहाँ से जी कैचर चाहिए हाँ आया सर कितने कितने के हैं ये कितने के हैं ये 80 का 80 का ये सारे 80 के हैं ले लो तुम्हारे बालों में तो बड़ा ही लगेगा सही ये देखें कौन सा सही लग रहा है वो बताएं ये नहीं सही इसकी ग्रीप नहीं ठीक इसकी ग्रीप अच्छी है इसकी भी ग्रीप अच्छी है इनकी नहीं अच्छी ग्रीप ये ना लेना ये भी सही है छोटे छोटे भी हैं ये हैं 20 कभी ये 5-5 रुपए के आया करते थे ये टूटेगा भी नहीं अनब्रेकेबल होती थी बस वही दिखाएंगे टूटे हैं ये देखो ना टूटे हुए ये तो मुझे लगा लग नहीं यही लगता ना टूटेगा नहीं लगता कितने का ये हैंडल का भी ये देखिए ना टूटने नहीं इतना मर्जी मोले छोले टूटेगा नहीं इसमें 4-5 डिजाइन मिक्स हैं ये बड़ा डिजाइन भी मिक्स है ना टूटने वाले डिजाइन इसका बड़ा प्यारा बना हुआ है एक ये डिजाइन देखो कौन सा ये वाला महंगी इतनी है ये कितने के 100 का नहीं क्या रेंज है हाँ जी ये देखें जी हाँ ये सारे 3,000 3,500-4,000 की रेंज में ये हाँ वो स्कर्ट की इस तरह के कपड़े जो है ना ये पूरे मार्केट में रेडी टू वेयर पड़े हुए बट हमें ये चाहिए नहीं है बस मैंने ऐसा सोचा ऐसे जाते जाते आप लोगों को दिखा दूँ विंडो शॉपिंग ये सारे दुपट्टे के डिजाइन है ये देखो ये तो फैंसी के अच्छे लगे सारे डिजाइनिंग भी बटो ये देखो जरा एक ये भी है टसल ये टसल्स लगे हुए हैं हमने करवाना है जी बिल्कुल सिंपल बेबी पीको जिसको जापानी पीको भी कहते हैं मुझे लगता है नहीं है सिंपल में चाहिए ये फैंसी नहीं चाहिए बिल्कुल प्लेन सिंपल हो ये पकड़ो तो बच्चों इसका क्या रेट होता है सेम नहीं है
ये सिल्क में इस टाइप की लग रही है। यहाँ पे जी एक दुपट्टे की मैचिंग करनी है, मिल नहीं रहा दुपट्टा। ये देखिए मैं सूट दिखाती हूँ, और सूट भी मैं यहीं पे आकर दिखा रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये टू पीस है, इसके साथ दुपट्टा चाहिए। ग्रीन, येलो, ब्लैक, ये सारे चल जाएंगे इसके साथ। ग्रीन भी अच्छा लगेगा इसके साथ। अगर उस पे दुपट्टे के लिए ये वाली कितना ले रहे हो हमारी शर्ट वाली 20 रुपए का, ये वाली 25 हो गया। क्यों 25 की हुई है ये वाली? ब्लैक ये यहीं से ही लगवा लेंगे। 260 और एक का दुपट्टा वाला। शॉपिंग इतनी शॉपिंग नहीं की जितने की इसको भूख लग गई है, और जो उसने चीजें ऑर्डर की है ना वो इतने की शॉपिंग नहीं है जितने की चीजें हमने शॉपिंग की। 2000 चीजें लेनी तो खा मखा के इसके ऊपर इसने इतना इन्वेस्ट करवा दिया मेरा। और अब इसके जो पैसे है ना वो ये निमराई देगी। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा मैंने ना चलो घर वापिस चले के चलते। ऐसे से बंदे जब आए ना फिर ऐसे ही लिखा पड़ता है, घबराना नहीं। एक ले लो, फिर क्यों नहीं रखते? ये है जी प्लेटर, कहाँ से आया ये गुड्डा? कहाँ से आया? ये गुड्डा नहीं है, ये घर का डोन है। अमीर आप डोन हो, हैं? डोन हो आप? भैया कह रहे हैं ये गुड्डा नहीं है, ये इस घर का डोन है। डोन हैं, देख लो आप। चलो अब शोया करे, उधर जाके दोबारा चला जाता है। अमीर अमीर चलो मामू को वादा कर दो, गुड नाइट बोल दो, शोया करते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। चलो हम तो भाई सोने लगे, रात हो गई है, देर हो गई है, सोने चलते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू, टाटा।